रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते थे इंडियन, वो दूसरे कई कई सारे एप्स को आप ढूंढ चुके हो। आप ये भी ढूंढ चुके हो कि यार मैं इसमें ब्रोकरेज या जो भी चीजें किस में क्या करे, कौन सी ऐप ले, ये सब का अब सोल्यूशन आपको मिल चुका है। आपको कुछ नहीं करना है। NSE आज के दिन अभी मतलब शायद से स्टार्ट हो गया है। NSE ने अपने द्वारा यूएस के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज से, वो स्टार्ट कर दिया है। आप जो भी 36 ब्रोकर्स हैं NSE में लिस्टेड या उससे ज्यादा जो भी है, उन सब के अपने अपने एक प्लेटफॉर्म या खुद के प्लेटफॉर्म या किसी साइड पार्टी ऐप से अपने अपने इन्वेस्टर्स को ये दी हुई है सुविधा। कैसे लेनी है, किस से क्या होगा, वो सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रोकर को उठाएंगे और मतलब एक ब्रोकर को पिक करते हैं और फिर उसके थ्रू जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे, और भी अगर आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे कि मुझे इस वाले ब्रोकर से चाहिए, मुझे इस वाले ब्रोकर से चाहिए, तो मैं आपको वो भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। उनके भी मैं रिकॉर्ड करके सब रख रहा हूँ, लेकिन आप बता दीजिएगा तो कमेंट डाउन बिलो। अब जो लोग एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको 3-4 लाख या जो भी बड़ी बड़ी अमाउंट्स देनी पड़ेगी, क्योंकि वो $2,000 या $200, $700 में ट्रेड कर रही है। अब अगर इतनी महंगे पे ट्रेड कर रही है तो आप और मेरे लिए तो बहुत हार्ड है। बड़े लोग कर सकते, बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स कर सकते, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन अब एक ऐप है, मतलब अब आप कर सकते हैं NSE की वेबसाइट में। उसे वो लोग 100th time, मतलब एक शेयर का 100th part आपको मिलेगा, और आपको एक्चुअल में डीमैट, आपके डीमैट में वो शेयर क्रेडिट नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सारे स्टॉक्स आप अभी दर्शन जैन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये सारे स्टॉक्स है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अपने NSE में लिस्टेड नहीं है। उसके कारण से हम उसका नहीं, लेकिन ये एक क्या बोलते हैं कार्ड या एक पेपर पे आपको मिलेंगे, उसकी वैल्यू वही होगी जो एक स्टॉक, मतलब वैल्यू तो नहीं, लेकिन वो सारे बेनिफिट जो एक स्टॉक से मिलते हैं, डिविडेंड ये या फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स, वैल्यू अप्रिसिएशन, वो सब आपको इन स्टॉक्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एंजल के एक प्लेटफॉर्म पे। ओके, हम एंजल के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। एंजल के प्लेटफॉर्म, अब ये है उसका इंटरफेस है। डिस्कवर सेक्शन में आप जाइए, नीचे जाइए, यहाँ पे विजिट करके ऑप्शन है। ठीक है, ये हम एक एंजल ब्रोकिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। आपको अगर ज़ीरोधा या किसी और से भी करना है तो आप कमेंट डाउन बिलो, हम आपको बता देंगे। ओके, यहाँ गए, अब है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब स्टार्ट इन्वेस्टिंग में आप गए तो आपको लेके जाएगा और फिर आप आगे प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना, मैं इसको रख देते, इसको प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना। अपना आधार कार्ड अपलोड करना और अपना पैन कार्ड अपलोड करना। अगर आपका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आपका प्रोसेस हो जाएंगे। आपको फिर फ्यू क्वेश्चंस पूछेंगे वो, जैसे आपके टैक्सेबल इनकम्स क्या है, आपका वो जो आप बेसिक KYC करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको कैसे ट्रेड करना है और क्या करना है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली ट्रेड करते थे वैसे ही इसके में भी ट्रेड कर सकेंगे, लेकिन इसमें एक बात खास ये होगी कि आने वाले दिनों में जब लोगों को और इसकी अवेयरनेस आएगी और लोग इसके जानेंगे और यूएस स्टॉक्स में और ज़्यादा तेजी आएगी, तो आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स के भी वैल्यूज बढ़ेंगे। जैसे अगर सपोज माइक्रोसॉफ्ट 136 में मिल रहा है, सपोज एग्जांपल के लिए, तो उनकी वैल्यू 200 या 400 या रियल में 1000 रुपीज भी जा सकती है। लेकिन अगर वो 1000 रुपीज जाती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको इन्वेस्ट अभी करना। हाँ, रिस्क ये भी है कि क्या सच में लोग आएंगे, क्या लोगों को इतना वो मतलब इससे जुड़ेंगे, ये सब अनसर्टेनिटी है और ये सब को हम देखेंगे आने वाले दिनों में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपने ये वीडियो आपको नॉलेजेबल या अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। हमारा एक ऐसा ही वीडियो है स्मार्ट API पे, आप वो ज़रूर देखिएगा, उसका वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। थैंक यू।